डीडवाना के SBI बैंक में पिछले दिनों 5 लाख रुपए की लूट के मामले का डीडवाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय कड़िया गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से पकड़ा गया है। आपको बता दें कि गत 10 जनवरी को डीडवाना के महावीर मार्केट में स्थित SBI बैंक में एक अज्ञात चोर बैंक कैशियर के काउंटर से 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गया था। इस घटना के बाद बैंक प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश प्रारंभ की। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद पुलिस आखिरकार आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हुई और मध्य प्रदेश के मुरैना में इस गैंग के 2 आरोपियों हतेश और राजेश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुख्य आरोपी अभी तक फरार है और चुराई गई रकम बरामद नहीं हुई है, मगर प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अजमेर सहित कई इलाकों में चोरी की वारदात करना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 7 दिन का रिमांड मांगा है, जिसमें आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी केड़िया गैंग के सदस्य हैं, जो चोरी सहित कई गंभीर अपराधों में संलिप्त रही है। डीडवाना के अलावा भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में चोरी और अन्य वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दस जनवरी को SBI ब्रांच महावीर मार्केट में इतला मिली कि अज्ञात चोरों द्वारा 5 लाख रुपए कैशियर की जो केबिन है उसमें से चुरा के फरार हो गए। इतला हम पहुँचे वहाँ पे, देखा तो कैशियर के मेन केबिन से 5 लाख का बंडल गायब मिला और बदमाशों के फरार होने की सूचना मिली। इस पर तत्काल नाकाबंदी कार्रवाई की और भी सर्च कराई गई। तत्पश्चात हमारे श्रीमान SP साहब ने भी घटनास्थल का विजिट किया और आवश्यक निर्देश देकर टीमें गठित की। साहब के निर्देशन के बाद टीमों के द्वारा संदिग्ध तरीके से टेक्निकल हमारी जो अन्वेषण है, इसके फलस्वरूप हमने मुरैना जिला MP राज्य से 2 शातिर बदमाश और चोरों को राउंड अप करने में सफलता प्राप्त की, जिनको वहाँ से लेकर आए। ये घटना के वारदात में शरीक हैं, जिनको आज न्यायालय में पेश करके रिमांड लिया। जल्द ही इनसे रिकवरी और अन्य बदमाशों का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या जो मुख्य आरोप था वो पकड़ में आ गया या इसके अलावा और भी कोई आरोपी बाकी है? प्राथमिक तौर पे इनसे पूछताछ में आया कि ये भी साथी है, मगर मुख्य आरोपी और बाकी लोग अभी फरार हैं, जिनके लिए जल्द ही टीमें भेज कर गिरफ्तार किया जाएगा। 2 दिन पहले